नमस्कार, आपका अपना चैनल कनकलता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल और ब्रेड का एक नाश्ता। उसके लिए मैंने आधा कप मूंग दाल लिया, इसको दो तीन बार धो लिया। मूंग दाल भिगोने के लिए एक घंटा के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये भीग चुका है, इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। अब हम जार में सारा मूंग दाल डाल देंगे। इसमें 1 इंच अदरक, 2 हरा मिर्ची डाल लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। पेस्ट को बाउल में डाल लेंगे। आधा शिमला मिर्ची, आधा गाजर, 1 प्याज, 2 हरा मिर्च को बारीक काट लिया है। अब हम ये मिश्रण में गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, हरा मिर्ची डाल लेंगे। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। मैंने 5-6 पीस ब्रेड लिया है, इसको बीच से काट लेंगे। ये देखिए, मैंने काट लिया है। अब हम एक पैन में तेल 2-3 चम्मच डालेंगे, एक ब्रेड पीस लेंगे। ये मूंग दाल पेस्ट में इस तरह हम डीप करेंगे और इसको पैन में डाल लेंगे। जितना पैन में आएगा उतना डालना है। मैंने पैन में 3 पीस डाला है और एक साइड इसको होने देंगे। ये देखिए, एक साइड थोड़ा सा हो गया। अब हम इसको पलट देंगे, इस तरह इसको उलट पलट करके हम सेक लेंगे। अब हम इसका थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसको पलट देंगे, ये सेक चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है नाश्ता। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम सारा नाश्ता बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे। आप इसको हरा चटनी नहीं तो सॉस खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी तरह नाश्ता घर पर बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।